नमस्कार, रियल लाइफ रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लीची का शरबत। पहले हम आपको लीची का क्रश बनाना बताएंगे, उससे हम लीची का शरबत बना करके तैयार करेंगे। इस लीची के क्रश को आप एयरटाइट कंटेनर में रख करके फ्रिज में रख के 6 से 7 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 1 kg लीची ले लिया है। अब हम सबसे पहले लीचियों को छील लेंगे। लीची का हम छिलका निकाल करके उसके बीज और गूदे को अलग कर लेंगे। इस क्रश को आप बना करके रख ले, फिर आप इसका खीर या फिर शरबत बनाकर जब मर्जी हो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसका शरबत बनाकर पी सकते हैं, खीर बनाकर खा सकते हैं। आप इस शरबत को अपने मेहमानों को भी पिला सकते हैं। आपको इसके लिए बस इतना ध्यान रखना है, इसे आप कांच के जार में स्टोर करें और इसे आप फ्रिज के अंदर रखें। लीची को छील करके हम इसके बीज को अलग कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारी लीचियों को छील लेंगे और इसके बीज और गूदे को अलग कर लेंगे। अगर लीची ताज़े हैं तो ये जल्दी से छिल जाते हैं, और अगर ये थोड़े से भी सूख जाते हैं तो फिर छीलने में प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ लीची को पानी के अंदर फूलने के लिए रख दिया था। कुछ देर पानी के अंदर छोड़ने से ये सॉफ्ट हो जाते हैं और लीची का जो छिलका है वो आसानी से निकल जाता है। तो ऐसे में अगर आपका लीची सूखा हुआ है तो आप उसे पानी में कुछ देर के लिए फूलने के लिए रख दें। 10 मिनट में ये फूल जाता है। फिर आप उसे छील करके उसका गूदा निकाल लें। अगर लीची ताज़ी है तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने सारे लीचियों को छील करके उसके गूदे को अलग कर लिया है। तो चलिए अब हम क्रश बना लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले लेंगे एक पैन या कोई भी मोटे तला वाला आप कढ़ाई ले सकते हैं। उसमें हम डालेंगे लीची के गूदे। कुछ देर के लिए हम इसे पका लेंगे। कुछ देर पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी मैंने यहाँ पर 1 कप से थोड़ा सा कम लिया है, क्योंकि मैंने 1 kg लीची लिया था। बीज को अलग करने के बाद लीची जो है वो 700 ग्राम तक रह गया है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से ही आप इसमें चीनी डालें। अब हम इसे चीनी के घुलने तक पकाएंगे। चीनी अच्छे से घुल गया है, इसमें एक अच्छा उबाल आ गया है। अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और इसे आराम से पकने देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। इसे पकाते हुए पूरे 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। अगर ये चिपचिपी हो जाए तो फिर हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। लीची का क्रश बन करके तैयार है, ये ठंडा हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस तरीके से आप लीची का क्रश बनाकर इसे स्टोर करके रख सकते हैं। जब मर्जी हो तब शरबत या खीर बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए अब हम इस लीची के क्रश से शरबत बना लेते हैं। मैं 2 लोगों के लिए शरबत बना रही हूँ। सबसे पहले हम लेंगे 1 ग्राइंडर जार, उसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के क्रश। जितने लोगों के लिए आप बना रहे हैं उतना चम्मच आप इसमें क्रश डालें। इसमें हमें अलग से चीनी लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसे ढक्कन लगा करके पीस लेंगे। आप चाहें तो इसे दूध के साथ भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं इसमें दूध डालूंगी। लेकिन पहले मैंने इसे पीस लिया है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध। दूध डालने के बाद हम फिर से मिक्सी को एक बार चलाएँगे, जिससे ये स्मूथ पीसेगा। मैंने इसे एकदम बारीक पीस लिया है। तो चलिए शरबत बनाते हैं। इसके लिए लेंगे 1 गिलास। 1 गिलास में मैंने 1/2 शरबत डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ठंडा दूध। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पिंक कलर देने के लिए लाल वाला शरबत। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है वनीला फ्लेवर का आइसक्रीम, इसे भी मैंने डाल दिया है। अगर आपको पसंद हो तो आप इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स के कतरन भी डाल सकते हैं। मैंने दोनों ग्लास को तैयार कर लिया है। तो लीची बनकर तैयार हो गया लीची का क्रश और उससे बना हुआ शरबत। दोनों ही रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ।